अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। जीतू भैया को चुड़ैल ने पकड़ लिया और मार दिया। तुम जी कहाँ हो अभी? मैं होटल में रुका हूँ, चंदनपुर के बाहर, ये जो बस स्टैंड के पास जो होटल है। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चुड़ैल ने जीतू भैया को मार दिया और पकड़ लिया। अभी आपका मैं जंगल में रास्ता भटक चुका हूँ। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ अभी। जीतू भैया साथ में थे, उनको चुड़ैल ने पकड़ लिया। पता नहीं उनके साथ क्या किया, वो पड़ गए एकदम नीचे। जीतू भैया 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 बहुत खतरनाक थी भैया। रुको भैया, थोड़ा दूर आ चुके हैं अपन भी, एक बार कैमरे पीछे घूम के देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, किशन जी बहुत खतरनाक थी। मेरी जिंदगी में मेरी रूह कांप गई, मैंने इतनी लोकेशन विजिट करी है मगर इतनी खतरनाक अभी भी आवाज नहीं सुनी। चारों तरफ दिखा दो एक बार। देखो मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, देखो मुझे डराओ मत, और मेरे कैमरे पे जो किशन जी उनको डराओ मत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भैया, निकलो यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ। इस बच्चे के लिए आया था किशन जी, अजीब अजीब से इस रास्ते से आए थे ना। हाँ, आ जाओ, बैटरी तो चार और पड़ी है ना अपने पास। हाँ, बैग में। हाँ, पक्का ना? हाँ, वो चार्ज तो करी थी ना। हाँ, आ जाओ, निकलो यहाँ से, टीम को लेके आना पड़ेगा पूरी। हाँ दोस्तों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे कोई भी इंसान गाली नहीं देगा, मुझे गंदे कमेंट नहीं देगा। चारों तरफ एक बार जाग के देख लो जंगल कैसा है, और जो आवाज थी बहुत खतरनाक आवाज थी। मैं और किशन जी डर चुके हैं, कहते हो ना आप, डर नहीं लगता, बहुत डर लगा भैया, बहुत डर लगा मुझे आज इस लोकेशन पे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये औरत, इसकी जो आत्मा है वो क्या चाहती है। बस दोस्तों प्रार्थना करो इस जंगल से हम निकल जाएं बस। किशन जी आ जाओ, बारिश भी आने लग गई भैया। एक बार इधर देखना, देखो आपकी पायल की आवाज मुझे वापस आई है। आप मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, और जो मेरा साथी है उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं,
मैं एक बच्चे की मदद के लिए आया था यहाँ पे। भैया आसपास में ही है कोई ना कोई, पायल की आवाज आ रही है। भैया सही कहा आपने, मुझे भी खुद को भी आई है यहाँ पे। भैया आ जाओ जल्दी, चलो भैया जल्दी आओ। भैया सामने, भैया भैया देखो मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आप बोलो। भैया भैया पीछे चलो वापस। भैया भैया मुझे छोड़ के मत जाओ। ये मैं कहाँ आ गया? वापस जाता हूँ। कहाँ जीत भी कहाँ रह गए? जीतू भैया जीतू भैया क्या कर रहे हो वहां पे? जीतू भैया चुड़ैल से, चुड़ैल के पास क्या कर रहे हो जीतू भैया? मैं पास नहीं जाऊंगा, बात उसे इशारा क्या कर रही है? जीतू भैया को मार दिया। किधर से जाऊं मैं बाहर? मुझे डर लग रहा है। जीतू भैया रास्ता किधर से मिलेगा? कहाँ है रास्ता?
रास्ता ही नहीं मिल रहा है। भगवान रास्ता बता दो, मैं रास्ता भटक चुका हूँ भगवान। Mm-hmm.
मनोज भाई को फोन करता हूँ मैं। मनोज भाई, मनोज भाई, मैं किशन। किशन जी यार, टाइम तो देखो यार, क्या हो रहा है यार? दो तीन बज रहे हैं रात के, 2:07 हो रहे हैं यार। क्या बात होगी जो इतनी रात को? वो चंदन, क्या बात होगी? वो चंदन बुन के जीतू भैया को चुड़ैल ने पकड़ लिया और मार दिया। तुम जी कहाँ हो अभी? मैं होटल में रुका हूँ, चंदनपुर के बाहर, ये जो बस स्टैंड के पास जो होटल है। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चुड़ैल ने जीतू भैया को मार दिया और पकड़ लिया। अभी आपका मैं जंगल में रास्ता भटक चुका हूँ। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ अभी। जीतू भैया साथ में थे, उनको चुड़ैल ने पकड़ लिया। पता नहीं उनके साथ क्या किया, वो पड़ गए एकदम नीचे। किशन भाई यार, आपको एक बार पहले फोन तो करना चाहिए। लोकेशन कैसे खतरनाक है, मैं खुद भाग के आया हूँ उस लोकेशन से यार। मैं फंस गया जंगल में, अकेला हूँ। आप आओ ना। कोई नहीं, मैं रुको, मैं एक दो लोगों से बात करके गांव वालों से मैं लेके आता हूँ उधर ही। हाँ, जल्दी आओ, मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ता है बाहर निकलने का। आप एक जगह, कोई ढंग की जगह देख के वहीं छुप जाओ। ठीक है भैया, जल्दी आना। सुनो, वो जो चुड़ैल थी ना, वो बहुत खतरनाक है वहाँ की। हाँ, खुद को भाग के निकलना पड़ा, आप छुप जाओ कहीं। ठीक है भैया, जल्दी आना, मैं अकेला हूँ। हिम्मत रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। भगवान मदद करो कुछ तो। बारिश आ गई। बैठ जाता हूँ। जीतू भैया,